मैं राजीव कुमार रवि देवी के विद्युत राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। आज अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू फाइंड द टर्न रेशो ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके लिए ये हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। सर्किट डायग्राम में ये सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ये वोल्टमीटर लगाया हुआ है इसके पैरेलल में, ये अपना सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये वोल्टमीटर दूसरा लगाया है। प्राइमरी साइड में एक वोल्टमीटर लगाएंगे और सेकंड साइड में भी एक वोल्टमीटर यूज करेंगे। इधर सिंगल फेज अपने सप्लाई देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे तो वी1 वी2 रीडिंग आएगी और वी1 वी2 रीडिंग अपन इस सारणी में रखेंगे। इसका टर्न रेशो का सूत्र क्या है, के बराबर एन वन अपन एन टू। एन वन मतलब प्राइमरी साइड में वाइंडिंग की संख्या, एन टू मतलब सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या। वी वन प्राइमरी साइड में वोल्टेज, वी टू सेकेंडरी साइड में वोल्टेज, आई टू सेकेंडरी साइड में करंट, आई वन प्राइमरी साइड में करंट। इसके लिए प्रश्न सारणी दी हुई है, वी वन वोल्ट में, वी टू वोल्ट में, जब वी वन वी टू आ जाएगा यहाँ से टर्न रेशो के कमान निकालेंगे वी वन अपॉन वी टू और यहाँ से इसका आईवीएस निकाल देंगे। तो इस तरह से अपने को ऐसा ही सर्किट डायग्राम अपने को अपरेटर से बनाना है और उसके साथ अपन देखेंगे अपरेटर की तरफ चलते हैं, उसमें देखेंगे कि अपन इसका टर्न रेशो कैसे निकालते हैं। जैसा अपन ने सर्किट डायग्राम में देखा, ये एक सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्ट मीटर है 0 से 300 वोल्ट का, ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा वोल्ट मीटर है 0 से 300 वोल्ट का। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे। इसकी रीडिंग को V1 मान लेंगे, इसकी रीडिंग को V2 मान लेंगे। यहाँ देखना इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। इसमें अपन देखना टेपिंग की हुई है 50% पर, 86.6% पर, 100% पर। लेकिन अपन ने क्या किया है, प्राइमरी साइड में भी 100% इसकी वाइंडिंग की ले लिए यूज ले लिए और सेकेंडरी साइड में भी 100% वाइंडिंग यूज ले लिए। तो जो इसका टर्न रेशो आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 100% वाइंडिंग यूज मिली हुई है तो टर्न रेशो आएगा 1:1 आएगा। इसके लिए अपन क्या करें, पहले चालू करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिया। इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, इसकी रीडिंग लूंगा, लेकिन इसकी स्केल देखो, इसकी स्केल में दो ऑप्शन है, 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। लेकिन अपन ने क्या लगा हुआ है, 0 से 300 वोल्ट पर ही अपन ने इसको लिया हुआ है, लेकिन ये स्केल 150 वोल्ट तक ही बता रही है। लेकिन जो भी रीडिंग, तो अब क्या होगा, अगर अपन इसको 300 वोल्ट पर लगाएंगे तो जो भी रीडिंग लेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसकी V1 की रीडिंग आ जाएगी। इस तरह V2 में भी, V2 दूसरे वोल्ट मीटर में भी अपन ने इसको 300 वोल्ट पर ही लिया है, तो जो भी अपन रीडिंग लेंगे, क्योंकि स्केल इसकी 150 वोल्ट तक ही है, जो भी रीडिंग लेंगे अपन इसको क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब चलो स्टार्ट करते हैं, देखना इसको, देखना ये मैंने इसको बढ़ाया, ये V1 की रीडिंग देखना, वैसे 40 वोल्ट बता रही है, लेकिन अपन इसको चूंकि 300 वोल्ट पर लगा रखा है तो इसकी V1 की रीडिंग आ जाएगी 40 × 2। V1 कितना आ गया, 80 वोल्ट आ गया। जब इसकी रीडिंग ले ली तो दूसरे वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे, इसमें देखना इसमें कितनी आ रही है, 36 के करीब आ रही है। तो 36 आ, तो 36 × 2 कितना हो गया, 72। तो V1 तो हो गया 80 वोल्ट और V2 हो गया 36 वोल्ट। तो इस तरह अपन इसकी धीरे धीरे इसकी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और अपन अलग अलग इनकी रीडिंग लेते रहेंगे। इन रीडिंग V1 की रीडिंग को यहाँ लिखेंगे, V2 रीडिंग को यहाँ लिखेंगे, यहाँ से K का मान निकाल लेंगे, V1 अपॉन V2 जो भी इसका टर्न रेशो आएगा, और यहाँ से इसका औसत आ जाएगा, जो भी आएगा इसका टर्न रेशो, यहाँ जितना अनुपात है उसका अनुपात इसका आ जाएगा। इसमें मैंने सावधानियाँ वर्णित कर रखी हैं, इन सावधानियों को अपन ध्यान रखेंगे, तारों को अच्छी तरह ट्विस्ट करके रखेंगे, इनको जो ऑपरेटर्स हैं सेम प्रास के लेंगे, लाइव वायर से हमेशा दूरी बनाकर रखेंगे जिससे अपने को नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह अपन ने इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो निकाला। थैंक यू।